सरामीर स्टेशन पर आज हम आपको दिखाएंगे कि सरामीर स्टेशन पहले से कितना बदल चुका है। इसके साथ इस समय हम बाहर हैं तो सरामीर स्टेशन के बाहर देख सकते हैं कि जो पुराना वाला बिल्डिंग था उसे अब हटाकर अभी नए वाले में शिफ्ट किया जाएगा। तो आज हम आपको सरामीर स्टेशन दिखाएंगे जो आजमगढ़ ज़िले में सरामीर पड़ता है। तो सरामीर को मिनी दुबई भी माना जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सरामीर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर है और प्लेटफार्म नंबर 1 पर जो गोदान एक्सप्रेस ट्रेन आकर लगी हुई है, जितनी सवारियां सरायमीर से जाती नहीं है उससे ज़्यादा यहां के लोग छोड़ने आते हैं। तो यहां का दिल लगाव भी एक अपने आप में ही होता है, क्योंकि एक आदमी को छोड़ने के लिए यहां मैं देखा कि कई लोग आते हैं। तो यही बहुत बड़ी बात है कि अपनों को कोई छोड़ना नहीं चाहता है लेकिन रोज़गार छोड़वाता है। तो इस समय हम सरायमीर स्टेशन पर हैं। सरायमीर स्टेशन पर देख सकते हैं कि बाहर का नज़ारा आपको हम दिखाई चुके हैं और अंदर का नज़ारा देख सकते हैं कि बाहर से अंदर तक कितना बदल चुका है सरायमीर स्टेशन। इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नए बिल्डिंग बनकर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। तो आने वाले समय में सरायमीर स्टेशन पर जैसे ही दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ बहुत कुछ बदला नज़र आने वाला। और इसके साथ सरामीर स्टेशन पर पहले एक ही प्लेटफार्म पर गाड़ियां आती थी, अब आने वाले समय में 2 नंबर पर भी गाड़ियां आना जाना करेंगी। इसके साथ सरामीर स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि यहां बहुत कुछ बदल चुका है। पहले 2 लाइन थी, अब 2 लाइन नई बिछ रही हैं। तो आने वाले समय में दोहरीकरण का कार्य जैसे ही पूरा हो जाएगा तो सरायमीर स्टेशन बदलने वाला है। तो यहाँ पर नए फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार है। तो इसके आगे हम आपको फुट ओवर ब्रिज को भी दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सामने पहले फुट ओवर ब्रिज भी यहाँ नहीं था, तो पहले बहुत कुछ यहाँ वंचित था लेकिन अब वह पूरा हो रहा है। तो सरायमीर स्टेशन पर आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है। और यहाँ देख सकते हैं कि अब हम आ चुके हैं 2 नंबर पर। तो यहाँ पर 2 लाइन रहेंगी, टोटल 2 प्लेटफार्म रहेंगे, इसके बगल में 1 लाइन और बिछेगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत कुछ यहाँ बदलने वाला है। तो टोटल यहाँ पर 3 प्लेटफार्म भी हो सकते हैं, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि नया फुट ओवर ब्रिज का कार्य निरंतर जारी है सरायमीर स्टेशन पर। जैसे ही दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा तो इस फुट ओवर ब्रिज को भी शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि यात्री सुविधा के लिए सामने 3 सेट लगकर पूरी तरह तैयार है। तो यहाँ जो बचा अच्छा कार्य है, जैसे दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर भी सारे कार्य हो जाएंगे। तो दोहरीकरण के अंतर्गत जैसे जैसे यहाँ पर जो जो कार्य बचा है उसका विकास किया जा रहा है सरायमीर स्टेशन का। तो अब हम बढ़ रहे हैं सागंज की तरफ और सागंज की तरफ वाली रूट पर। और यहाँ देख सकते हैं कि यात्री सुविधा के लिए 3 सेट का कार्य शुरू हो चुका है और 3 सेट बनाने के लिए यहाँ पर फाउंडेशन बनकर तैयार है और यही छायेदार 3 सेट लगेंगे। तो यहाँ पर कुर्सियाँ भी बनकर तैयार हैं। तो आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है सरायमीर स्टेशन का। और इसके आगे हम आपको दिखाते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि सामने लाइट के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए फाउंडेशन बनकर तैयार है और यात्री सुविधा के लिए 3 सेट भी लगने वाले हैं। तो यहाँ बैठने के लिए मार्बल की कुर्सियाँ बनकर तैयार हो रही हैं सीमेंट वाली। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक बेहतरीन तरह से यहाँ पर कार्य चल रहा है सरायमीर स्टेशन का और हम आपको दिखा रहे हैं सरायमीर स्टेशन। तो सरायमीर स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर साइनिंग की गई है प्लेटफार्म की। तो आने वाले समय में जैसे जैसे कार्य होते रहेंगे दोहरीकरण का तो यहाँ पर भी निरंतर कार्य होता रहेगा। तो यहाँ पर लाइट के फाउंडेशन भी बनकर तैयार हैं। तो आने वाले समय में सरायमीर स्टेशन पूरी तरह जगमग हो जाएगा जैसे ही दोहरीकरण पूरा होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक बेहतरीन तरीके से सरायमीर स्टेशन का विकास किया जा रहा है दोहरीकरण के अंतर्गत। तो यहाँ देख सकते हैं कि मानिए तो ये भी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ही कार्य मान के चलिए हो रहा है। करोड़ों रुपए हर स्टेशन पर इन्वेस्ट हो रहा है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे कार्य होता रहेगा और यहाँ का विकास ही होता रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सरायमीर में लगभग सभी गाड़ियाँ कार 2 को छोड़कर रुकती हैं। यहाँ से प्रतिदिन हजारों यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं। मान के चलिए अगर 10 ट्रेन रुक रही है तो 500 से लेकर 1000 के बीच में यहाँ से यात्री अपना सफ़र शुरू करते हैं और यहीं आकर ख़त्म भी करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सरायमीर स्टेशन पर एक बेहतरीन तरीके से कार्य हो रहा है फुट ओवर ब्रिज का, फुट ओवर ब्रिज के बाद प्लेटफार्म का, प्लेटफार्म के बाद बहुत अच्छे से कार्य चल रहे हैं। और 2 नंबर से आप देखिए 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में कितना बेहतरीन अब सरायमीर स्टेशन लग रहा है। यहाँ पर टोटल 4 लाइन है, 2 लूप लाइन और 2 मेन लाइन। तो लूप लाइन का मतलब यह है कि
एक प्लेटफार्म है एक नंबर, दूसरा प्लेटफार्म दो नंबर, बाकी दो मेल लाइन रहेंगी अप डाउन के लिए गाड़ियों के लिए। तो यहाँ बहुत कुछ बदलने जा रहा है। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि यात्री सुविधा के लिए यहाँ पर टिन सेट लगकर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। तो जैसे जैसे कार्य हो रहा है सराइमीर स्टेशन का, तो यहाँ विकास के पंख लग गए हैं मानो की। और यहाँ की बात की जाए तो सराइमीर स्टेशन के बात की जाए तो सराइमीर एक बहुत बड़ी घनी आबादी है, नगर पंचायत भी है, और यहाँ पर बहुत ही कुछ सुनने में भी आता है। सराइमीर को मिनी दुबई के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सराइमीर स्टेशन पर बहुत कुछ बदलने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तो कार्य बंद है, लेकिन खुरासा रोड पर सुनने में आया जब हम बात किए एक सज्जन से, तो उन्होंने बताया कि सारा कार्य भी खुरासा रोड पर हो रहा है। तो किसी दिन खुरासा रोड का भी हम अपडेट आपको दे देंगे। तो आज हम सराइमीर आपको दिखा रहे हैं। सराइमीर स्टेशन आपको देखकर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप यहाँ के सराइमीर के निवासी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर कोई बाहर से देख रहा है, मान लीजिए देश विदेश में है, तो वह यकीन नहीं करेगा कि मेरा सराइमीर इतना स्टेशन बदल गया। और यहीं से हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और यह सराइमीर स्टेशन कैसा लगा जो आजमगढ़ जिले के अंतर्गत यह सराइमीर आता भी है।